नमस्कार बच्चों, प्लस टू क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा अगला कवि है रघुवीर सहाय। तो लेसन नंबर 4, कैमरे में बंद अपाहिज, इसके जो कवि हैं लेखक हैं हमारे रघुवीर सहाय जी हैं। इसका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हम आज करेंगे। तो रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय क्या है ये आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूँ, तो अच्छी प्रकार से पढ़ना समझना। रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय देखिएगा। तो रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी के एक संवेदनशील कवि माने जाते हैं। उनका जन्म हुआ था 1929 में लखनऊ के अंदर। कब हुआ था? 1929 में लखनऊ, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया था, 1951 में एमए की थी अंग्रेजी विषय से। 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से क्या किया था उन्होंने, अंग्रेजी विषय से एमए किया था। और एमए करने के पश्चात इन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करने लगे थे। और इन्होंने प्रतीक वाक और कल्पना अनेक पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। तो रघुवीर सहाय जी ने क्या किया था, एमए के पश्चात पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य किया और प्रतीक वाक कल्पना जो पत्रिकाएं थी उन पत्रिकाओं के संपादक मंडल में उन्होंने कार्य किया। तत्पश्चात कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग के संबंधित रहे ये। और 1971 और 1982 तक प्रसिद्ध पत्रिका दीनमान, कौन सी प्रसिद्ध पत्रिका दीनमान में इनके संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इनको कवि के रूप में दूसरा शतक से विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा शतक 1938 में संकलित हैं। इसकी आरंभिक कविताएं व महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। और क्या किया गया भाई, इनको साहित्य सेवा भावना के कारण ही इन्हें साहित्य अकादमिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। और अंत में दिल्ली में सन 1990 में इस महान साहित्यकार का देहांत भी हो गया था। जिसकी रचनाएं भी हैं कुछ, इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं देखिएगा। तो इसकी रचनाओं में कौन कौन सी हैं, काव्य संग्रह हैं सीढ़ियों पर धूप में, और है आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। आत्महत्या विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है भाई। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, इसका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और सीढ़ियों पर धूप में कविता कहानी निबंध का एक अनूठा संकलन भी दिखाई देता है। कविता कहानी संबंध का क्या था, सीढ़ियों पर धूप में इसमें कविता कहानी और निबंध तीनों चीज़ों का एक अनूठा संकलन भी दिखाई देता है। तो इसकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी रही देखिएगा। तो रघुवीर सहाय ने क्या क्या किया देखिएगा इसके अंदर, और इसको सम्मान भी दिया गया था एक साहित्य अकादमिक पुरस्कार। कौन सा सा साहित्य अकादमिक पुरस्कार इसको मिला है। तो साहित्य विशेषता में कवि रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के क्षेत्र में संवेदनशील नागर चेहरा है। उन्होंने सड़क चौराहा दफ्तर अखबार संसद बस रेल और बाजार की वेश भाषा में कविता लिखी हैं। फिर जैसी भाषा उनको मिलती थी, चाहे वो सड़क चौराहे की भाषा, चौराहे दफ्तर अखबार संसद बस रेल बाजार में जो भी भाषा मिली उसी भाषा के आधार पर उन्होंने कविता लिखी। उन्होंने अपने मोहल्ले के आम चरित्र रामदास और मोहल्ले के भी अपनी कविताओं के अंदर उनके जो मोहल्ले के जो आम लोग थे उन लोगों के उन्हीं को लोगों को उन्होंने क्या क्या चरित्र बनाया है, तो रामदास, गीता, सीता, हरिया, हर चरना आदि कविता लिखी हैं। और इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया भी है, भी अपनी चेतना में उनको याद रखने का एक स्थायी तरीका भी बनाया है। हत्या लूटपाट व आगजनी की घटना तथा सामाजिक भ्रष्टाचार छल छदम की कविता में उतरकर केवल खोजी पत्रिकता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते हैं,
अपितु ये आत्म अन्वेषण का माध्यम भी बन जाते हैं। यह ठीक ही है कि कवि पेशे से एक पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं अपितु सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। उनकी कविता और उनके कहानीपन और नाटकीयपन का वैभव वो दिखाई देता है। तो उन्होंने अपने लेखन के अंदर समाज का यथार्थ चित्रण किया है। समाज के अंदर अव्यवस्था, शोषण, विडम्बना जो फैली हुई थी उसका भी उन्होंने चित्रण किया है। तो समाज के अंदर पत्रकार की घटनाओं को नहीं, विडम्बना और त्रासदी को भी देखा है। कवि रघुवीर सहाय कविताओं की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने छोटे और लघु महत्ता को भी स्वीकारा है। वे बड़े माने जाने वाले विषय या बड़ी समस्याओं पर भी दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिन समस्याओं का विषय पर समाज में हाशिए पर रखा जाता है, ये रघुवीर सहाय ने भी जो बड़े बड़े मसले होते थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी, उन पर ही अपना लेखनी नहीं चलाई है, बल्कि समाज के अंदर जो छोटी छोटी समस्याएं थी, विषम समस्याएं थी, जिनसे समाज में जो हमारा समाज है वो हाशिए पर जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था, उनके अनुभव को भी अपनी रचनाओं में जगह दी है। तो कवि रघुवीर सहाय ने अपने साहित्य को पत्रकारिता में भारतीय समाज में ताकतवरों से बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ पाठकों को ध्यान खींचा है। उनकी कविता रामदास आधुनिक हिंदी काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो अत्यंत ही साधारण और अन्याय ही प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण योजनाओं का उन्होंने रघुवीर सहाय ने वर्णन किया है। तो इसकी भाषा बहुत अच्छी भाषा थी, इनकी भाषा पैनी व्यंग्यात्मक थी, सुसंगठित भाषा, आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष पहचान भी है इनकी। इनकी भाषा में संवेदनशीलता, अनुपम चिंतन मिलता है, साहित्यिक खड़ी बोली है, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों, विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, मुहावरों का भी प्रयोग किया है और व्यंग्यात्मक शैली, भावपूर्ण शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। और अपनी कविताओं के इन्होंने अलंकारों का भी खुलकर प्रयोग किया है। तो अलंकारों में इन्होंने अनुप्रास, यमक, सलेस, पद्म मैत्री, स्वम मैत्री, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रसन्न, मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। अविदा और लक्षणा और व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया है। छंद मुक्त कविता इन्होंने लिखी हैं। बिम योजना अच्छी है। तो इस प्रकार के इसकी भाषा शैली है वो होती है। तो रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय प्लस टू क्लास के विद्यार्थियों के लिए, तो इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना, पढ़ करके अच्छे प्रकार से समझ लेना। और कोई समस्या रहे इस जीवन परिचय से संबंधित तो आप किताब के माध्यम से या मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अब अगला जो कविता कवि हमारा रहेगा वो अगली वीडियो में पेश करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।